देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और जो अधिकारियों को लंबित कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 100 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। ज्यादातर प्रार्थना पत्र घरेलू विवाद, अतिक्रमण, कूड़ा निदान और जमीन जैसे मामले थे, जिनके लिए बाकायदा सही मामलों की जाँच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। करीबन 100 के करीब हमारे पास आज शिकायतें आई हैं। उसमें मेनली आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, पानी का विवाद हो गया, सड़क का विवाद हो गया, कुछ अतिक्रमण से रिलेटेड हैं, कुछ ग्राम सभा की भूमि से रिलेटेड हैं। तो सभी में इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि हमारे SDM और तहसीलदार भी साथ में जुड़े होते हैं, तो तत्काल हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि कार्रवाई कर दी जाएगी।